आज 12 अप्रैल को देर शाम को मच्छीमार महिलाओं के साथ कांग्रेस की महिलाओं ने कांदिवली पश्चिम भाजपा कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। बताया जाता है कि इस आंदोलन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आकर धक्का मुक्की की। ऐसा आरोप कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष व पूर्व नगर सेविका अजंता यादव ने लगाया है। इस समय दोनों ही पार्टियां कांदिवली पुलिस स्टेशन में अपने नेताओं के साथ डटी हैं। ऐसा है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है पीयूष गोयल, उन्होंने रामनवमी के दिन मच्छी मार्केट के बाजू से जाकर अपने नाक पे रुमाल लगाया था और ये कहा था कि मछली का जो दुर्गंध है ये मेरे लिए दुर्गंध है और ये नहीं सहन होगा। तो इस तरीके का अपमान कोली समाज पे हुआ है और कोली समाज इसके विरोध में प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्होंने हमारी मदद ली थी। तो हम सब कांग्रेस जन, आप देखो यहाँ पे भी खड़े हैं, नीता है, तिलोत्तमा है, ताई अपने सभी, ज्योति है, सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको सपोर्ट करने के लिए बीजेपी के ऑफिस के सामने एक प्रदर्शन करने की ठानी और हमने आज वो प्रदर्शन शांतपूर्वक किया। और जब हम सब वहाँ से प्रदर्शन करके निकल रहे थे, मैं अपनी गाड़ी में बैठी, सब अपने अपने गाड़ी में जब बैठ के निकल रहे थे तो अचानक से सिग्नल पे जब मेरी गाड़ी रुकी तो तुरंत भाजपा के 15-20 कार्यकर्ता मेरी गाड़ी को उन्होंने अटैक किया, दरवाजा खोला, पहले तो फ्रंट डोर खोला जोर से और मेरे जो कार्यकर्ता रोहित जोशी जो कोली हैं, कोली समाज को बिलोंग करते हैं, वो मेरे साथ आए, उनको मारना चालू किया। मैंने जब उनको बचाने की कोशिश की तो उन गणेश खनकर जो उत्तर मुंबई जिला के बीजेपी के कार्य अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, उन्होंने मेरे साड़ी को और हाथ और चेस्ट के ऊपर हाथ डाल के साड़ी खींची और साड़ी भी फट गई है मेरी और उसी तरह मेरा चश्मा ये फेंका। इस तरीके से आज चश्मा साड़ी, जिस तरीके से मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की, वो गलत गलत शब्द प्रयोग कर रहे थे, उस पर मैंने उनको काफ़ी डांटा कि इस तरीके से आप एक महिला पे वार नहीं कर सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बच्चे को टांग खींच के नीचे उतारा और उसके पीछे मैं उसको जब बचाव में गई तब भी उन्होंने मारना चालू किया और इतने में पुलिस आ गई और हम सब पुलिस स्टेशन आए। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे, मेरी गाड़ी को उन्होंने डैमेज तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ नीता माड़िक जो मेरे साथ थी, मेरी हमारे आंदोलन में भी थी, वो उनकी गाड़ी पे दौड़ के पत्थर से वार किया, गाड़ी के कांच को डैमेज किया और जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर उनका मुस्लिम था, उसको खींच के बाहर निकाला तो दौड़ा दौड़ा के उसको मारा भी। जो इस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता ने मारने का जो काम किया है, ये इसका हम विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। आप मेरे वीडियो में देख सकते हो कि कोली समाज की औरतें थी जो वहाँ पे बैठी थी, उसके साथ साथ उनके सभी कोली समाज के कार्यकर्ता थे और कोली समाज इतने गुस्से में था कि उन्होंने खुद वो प्रदर्शन करने का ठान लिया। और आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता ने मार के, मारहन करके इस तरीके से कांग्रेस के लोगों के ऊपर इतनी जोरदार हमला किया है। और आज मेरा चश्मे को जब उन्होंने खींच के निकाला तो शायद मेरे चेहरे पे भी वो लग सकता था और काफी इंजरी हो सकती थी। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे साड़ी को फाड़ा है तो एक विनय भंग का प्रकार भी उन्होंने किया है, इसका मैं निषेध करती हूँ और इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुलिस स्टेशन में अभी भी हैं और हमने डीसीपी से भी बात की और हमने ये कहा कि मारने का अधिकार आपने क्या भाजपा के कार्यकर्ता को दिया है? बिल्कुल नहीं। मारने का अधिकार सामान्य नागरिक के पास नहीं है, बोल सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मारना उनका हक नहीं है। लेकिन आज अगर उन्होंने इस तरीके से किया है तो एक महिला अगर रास्ते पे चल रही है उसकी क्या सिक्योरिटी, आप मुझे बताएं? भाजपा कार्यकर्ता को आज अगर यहाँ पे गुनाह दाखिल नहीं होता है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है और पूरे भाजपा के लोग इस तरीके से आज यहाँ पे आए
और प्रेशर डालने की कोशिश की डीसीपी पे, मैं उसका विरोध करती हूँ। क्योंकि आज अगर उनका मनोबल बढ़ा तो एक आम जनता, आम नागरिक, आम महिला अगर रस्ते से गुजरेगी भाजपा के कार्यालय के सामने तो कभी भी उस पर अटैक हो सकता है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी का भंग है और इसका मैं निषेध करती हूँ। आचार संहिता है, ऐसे में आपका इस तरह का प्रोटेस्ट करना कहाँ तक सही था? क्योंकि आप पुलिस स्टेशन में भी हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया था और एक ही मिनट, और कोली समाज के लोगों के को सपोर्ट किया था, उनका समर्थन दिया था क्योंकि वो परेशान थे और काफी दिन से इस कोली समाज इस मुंबई के भूमि पुत्र हैं और ये उनकी मुंबई उनकी है और ये जो भाजपा का कैंडिडेट है उसका कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी समाज को इस तरीके से अपमानित किया जाए। तो आज एक अपमान है और ये अपमान का विरोध उन्होंने किया, जो उनका अधिकार है। किसी भी समाज का अगर अपमान होता है तो उनका अधिकार है उसका विरोध करना। पुलिस स्टेशन आई थी आप, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आप अंदर से बाहर निकली हैं, तो क्या कुछ बात? नहीं, हमने मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है और ये दी है कि मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। जेंट्स लोग एक महिला के ऊपर आक्रामक हो गए, हमला कर दिए, तो ये तो बिल्कुल भी सहन होने की बात ही नहीं है। इसका विरोध करते हैं और आज अभी तक भी हम इसलिए यहाँ है कि उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, FIR दाखिल होना चाहिए। इसकी वजह से हम आज उनके ऊपर सारी चीजें बता रहे, सीसी फुटेज हमने कहा आप मंगा लीजिए तुरंत, और इस ये जो हुआ है वो आपको सीसी फुटेज में दिखेगा। सभी एंगल से वहाँ पे सीसी कैमरा लगी हुई है क्योंकि वो जंक्शन है MG और SV रोड का। तो इस वजह से हमें जो ये जो बीजेपी कार्यकर्ता ने किया है, इसका पूरी कांग्रेस जन यहाँ पे निषेध करते हैं।